वेलकम बैक टू सुपर मॉम्स रेसिपीज। तो आज की रेसिपी है नॉनवेज लवर्स के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है चिकन थाइस। इसको मैंने चॉप नहीं करा है बिल्कुल भी, इसको बीच में से स्लिट कर लिया है थोड़ा सा। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच अराउंड कर्ड। कर्ड थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। और इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो सीजनिंग। इसी के बीच में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जरा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। और इन सबको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं फॉर 30 मिनट्स। मिनिमम 30 मिनट्स हैं, अगर आपके पास खुला टाइम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अंदर तक मसाले जो हैं वो रस जाएंगे और चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगा काफ़ी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत अच्छी बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, एंड चिकन लवर्स जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, खासकर अपने यंगस्टर्स, उनको ये बहुत पसंद आएगी। एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के मैंने 30 मिनट्स के लिए जो हमने चिकन मैरिनेट करा था उसको मैंने पैन में ग्रिल करने के लिए डाल दिया। आप चाहें तो इसके लिए ग्रिल्ड पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हर तरफ से हम कुक कर लेंगे। फ्लिप करते रहें टाइमली। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको लिड के साथ कवर कर देंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास है एक नॉनस्टिक पैन जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने डाल दिया है थॉ करा हुआ गार्लिक, और इसको हम सॉटे कर लेंगे ज़रा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़े से स्लाइस्ड करे हुए अनियन। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ बेबी कॉर्न्स अवेलेबल थे तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं। इसको अनियन के साथ इसीलिए डाल दिया है ताकि ये थोड़े से टेंडर हो जाए। बहुत टेस्टी बनता है ये चिकन, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है क्रिस्पी वेजिटेबल्स और साथ में लजीज चिकन, और वो भी बहुत कम तेल या घी में बना हुआ। आप इसको ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा ये। एंड चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, ज़रा सा नमक डालेंगे और साथ ही साथ ज़रा सा ब्लैक पेपर पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था नमक। और इनको अच्छे से हम चला लेंगे एक बार। एंड कोशिश करें इस जब हम वेजिटेबल्स को हम सॉटे कर रहे हैं तो फुल फ्लेम पे ही करें। एंड इसी में हम ऐड करेंगे बाकी की चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ श्रेडेड कैबेज के साथ, और इसी के बीच में मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। एंड इनको अच्छे से टॉस कर लें। विद इन फ्यू मिनट्स ये जो वेजीज हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। इन सबको फुल फ्लेम पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगेगा। हमें वेजिटेबल्स को क्रंची टेक्सचर में ही रखना है। और ये बिल्कुल रेडी हैं, तो चलते हैं अपने चिकन की तरफ। वो कुक होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं ओपन करके। वाओ, बहुत अच्छा कलर आया है और ये एकदम से टेंडर हो गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो चलते हैं सर्विंग की तरफ।
मैंने इसको सर्व करा है एक डिप के साथ, और साथ ही साथ मैंने सारी वेजिटेबल्स को लेटस लीव्स के ऊपर डाल दिया है। तो एकदम से लो कैल हेल्दी रेसिपी रेडी है, तो आप भी जल्दी से बनाएं, खाएं और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्पेशली अगर आप डाइट पे हैं तो ये आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ है। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में।